नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं आपके साथ लीली। ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा में आयोजित सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठने का कारण ये भी है कि अखलाक हत्याकांड का मुख्य आरोपी विशाल राणा योगी आदित्यनाथ की जनसभा में पहुंचा हुआ था। सफेद कमीज पहने योगी योगी चिल्ला रहा ये शख्स विशाल राणा है, वो विशाल राणा जो अखलाक का मुख्य हत्यारोपी है। आपको बता दें कि ये जनसभा गौतम बुद्ध नगर लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा के पक्ष में रखी गई थी और विशाल राणा ने नारेबाजी तभी शुरू की जब केंद्रीय मंत्री और गौतम बुद्ध नगर प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा युवाओं में जोश की बात कर रहे थे। चाहते कि मैं बेसाड़ा और उसके आसपास के आप सभी भाइयों बहनों से मिलूं। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर महेश शर्मा जी को कि उन्होंने आज मेरी पहली सभा आपके बीच में लगाई है। पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया ने इस क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को देखा है और उन भावनाओं के साथ पूरे देश को भी अपने आप को जोड़ने में सदैव मैं हूं ना मीडिया वाले भी नन्ना पीछे कर एक अच्छा लगा कि हम सब जोड़ते हो मीडिया वाले आपकी उन भावनाओं के साथ जुड़ सके जिन भावनाओं को पिछली सरकारों ने अपने निहित स्वार्थों के लिए कुंद करने का प्रयास किया था। ये है बिसड़ा जहां अखलाक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी और ये हत्या बीफ को लेकर की गई थी। वहीं अखलाक की हत्या के बाद देश की राजनीति का वो दौर आया जब पूरे देश में टॉलरेंस यानी असहिष्णुता शब्द छाया रहा और हर राजनीतिक दल ने इस कांड को भुनाने की कोशिश भी की। इतना ही नहीं, कई हस्तियों ने तो अपना सम्मान तक वापस कर दिया था। लेकिन आज योगी की चुनावी जनसभा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहने के लिए आए हैं, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग सुकून का जीवन जी रहे हैं। अब सुकून के नाम पर जो सपा बसपा कांग्रेस थी वह अब सुकून गायब हुआ, अब सुकून का जीवन जी रहे हैं क्योंकि नामुमकिन अब मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। केंद्रीय मंत्री ये जानते हैं कि गौतम बुद्ध नगर में ठाकुर वोट सबसे ज्यादा है और उसे साधने के लिए डॉक्टर महेश शर्मा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि उन्होंने अखलाक हत्याकांड में भी कई विवादित बयान दिए थे जो मीडिया की सुर्खियां बनी थी। लेकिन उन्होंने जो जमीन तैयार की उसने विधानसभा चुनाव में पांचों सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी थी और शायद यही वजह है कि वो एक बार फिर उसी जमीन को तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। नोएडा से कौशल आलम की रिपोर्ट। तो इस वक्त मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।